हेलो YouTube, मैं हूं दीपिका मैडम टेक से। तो आज मेरे पास है एक नया ब्रांड जो इंडिया में लॉन्च हुआ है मई में, जिसका नाम है Mobiistar। और ये वियतनाम का एक काफ़ी फेमस ब्रांड है और अब इंडिया में लॉन्च हुआ है। तो इसने एंट्री की है अपने हैंडसेट के साथ, जिसका नाम है XQ Dual, जो इनकी सेल्फी स्टार रेंज का फ़ोन है। तो नाम से ही आप समझ सकते हैं कि इसकी एक मेजर हाईलाइट है इसका डुअल सेल्फी कैमरा, और एक सुपर अफोर्डेबल रेंज में इंडिया में लॉन्च हुआ है। इस वीडियो में हम देखेंगे Mobiistar XQ Dual का एक फर्स्ट लुक और इसकी अनबॉक्सिंग। तो ये है नया Mobiistar XQ Dual। Mobiistar एक वियतनामीज ब्रांड है जो इंडिया में अब स्टेप कर रहा है, वियतनाम में काफ़ी सक्सेसफुल है। तो Mobiistar ने इस बार जो इंडिया में लॉन्च करने का सोचा है वो है इसका Mobiistar XQ Dual, जो इनके सेल्फी स्टार सीरीज में आता है, जिसमें आपको फ्रंट में ही 13 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेटअप है, जो कि इसका सेल्फी स्टार का यूएसपी है। कुछ और यूएसपीज देखते हैं यहाँ पे, आपको 120 डिग्री वाइड एंगल तक ये कैप्चर कर सकते हैं, 3GB प्लस 32GB रैम का सेटअप है, प्रूवन सेंसर है। चलिए इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। स्लाइडिंग बॉक्स सेट में आपको मिलेगा Mobiistar, ये इंटरनल बॉक्स, इसको ओपन करेंगे तो टॉप पर आपको मिल जाएगा ये फ़ोन Mobiistar, जिस पर हम अभी 2 मिनट बोलते हैं। और कंटेंट्स देखते हैं बॉक्स के, बॉक्स के अंदर एक और स्मॉल बॉक्स है, इसे हम यहाँ से ओपन करेंगे। अंदर आपको मिलता है एक CPU बैक कवर, साथ ही कुछ पेपर वर्क, यूजर गाइड, यहाँ पर आपको सिम ट्रे इजेक्टिंग टूल, माइक्रो यूएसबी केबल और एक चार्जिंग एडाप्टर, जो कि है 5 वोल्ट 1.5 एम्पीयर का चार्जिंग एडाप्टर। तो इसकी पावर काफ़ी कम है। और यहाँ पर देखेंगे ईयरफोन्स नहीं है बॉक्स के अंदर इंक्लूडेड। अब फ़ोन पर आते हैं, तो फ़ोन का फर्स्ट लुक काफ़ी अच्छा है दिखने में। बैकअप देखिए कितना प्रीमियम ये लाइंस इसको बना रही हैं। उनका फ्रंट ये कवर हटा लेते हैं, देखिए काफ़ी अच्छे से वेल क्राफ्टेड फ़ोन है। जिस तरह से ये गोल्डन लाइनिंग्स यहाँ दी गई हैं, ये कट्स जो दिए गए हैं, पावर बटन का कट यहाँ दिया गया है। जब तक फ़ोन के हार्डवेयर की हम बात करें, तो टॉप पर आपको मिलता है ईयर पीस, और इसका हाईलाइट, फ़ोन का हाईलाइट है 13 प्लस 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेटअप, और साथ ही एलईडी फ्लैश, जो आपके शॉर्टकट कीज़ हैं वो स्क्रीन के ऊपर ही दी गई हैं, बेजल के ऊपर। तो आप देखेंगे टॉप और बॉटम बेजल काफ़ी थिक सा है, बट साइड बेजल्स काफ़ी स्लिम हैं। और साइड पर देखें तो यहाँ पर आपको पावर बटन, ये काफ़ी अच्छा टैक्टाइल फीडबैक है। ये है सिम ट्रे स्लॉट, द सिम ट्रे स्लॉट को ओपन करके अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको एक हाइब्रिड सिम ट्रे स्लॉट मिलता है, जिसमें आप एक नैनो सिम या और एक माइक्रो एसडी कार्ड या दो नैनो सिम्स यूज़ कर सकते हैं। आप लेफ्ट की तरफ चलते हैं, लेफ्ट की तरफ आपको वॉल्यूम रॉकर मिलेगा, बहुत ही अच्छे से इसमें गोल्डन लाइंस दी गई हैं। और टॉप पर 3.5 ऑडियो जैक और नॉइस कैंसिलेशन माइक, बॉटम में ये
डुअल ग्रिड आपको मिलती है स्पीकर के लिए और माइक्रो यूएसबी चार्जिंग पोर्ट। बैक पर आते हैं तो बैक पर आपको दिया गया है एक 13 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप। यहाँ पर आपको सिंगल कैमरा दिया गया है, यहाँ पर डुअल और एलईडी फ्लैश और फिंगरप्रिंट सेंसर है, मोबीस्टार का लोगो है। तो फोन को सेटअप कर लेते हैं ऑन करके। मोबीस्टार का टैगलाइन है एंजॉय मोर। तो ये आपने फोन सेटअप कर लिया है। अगर हम स्क्रीन की बात करें तो इसमें है 5.5 इंचेस का फुल एचडी आईपीएस डिस्प्ले 1080x1920 पिक्सल्स और साथ ही आपको मिलती है 400 ppi की पिक्सल डेंसिटी और असाही ड्रैगन टेल 2.5D ग्लास का प्रोटेक्शन आपको मिलता है। तो आप देखेंगे मॉडल नेम इज XQ Dual, एंड्रॉयड वर्जन 7.1.2। तो फिलहाल यहाँ पर ओरियो नहीं दिया गया है। साथ ही इसमें है 1.4 GHz का ऑक्टाकोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 430 का प्रोसेसर और एड्रीनो 505 GPU। स्टोरेज की बात करें तो इसमें इंटरनल स्टोरेज है 32 GB की, जिसमें से अभी 5.76 GB एक न्यू फ़ोन आप देखें तो इसमें यूज्ड है, बाकी आपका फ्री है तो काफ़ी डिसेंट है ये चीज़। साथ ही मेमोरी देखें तो इसमें है 3 GB मेमोरी, जिसमें से 1.2 GB अभी ऑलरेडी यूज्ड है। फ़ोन का कैमरा टेस्ट करते हैं ज़रा। तो शटर स्पीड काफ़ी बढ़िया है और बैक कैमरा आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का, आपको प्राइमरी सेंसर है f2.0 के अपर्चर के साथ। बैक कैमरा की बात करें तो इसमें है 13 मेगापिक्सल का सेंसर, काफ़ी रिस्पॉन्सिव, मैं फिंगरप्रिंट सेंसर से क्लिक कर रही हूँ, और f2.0 का अपर्चर और डुअल टोन LED फ्लैश। या लेफ्ट पर देखें तो सेटिंग्स, फ्लैश, प्री इंस्टॉल्ड कलर फिल्टर्स, ये है टाइमर और ये कुछ और सेटिंग्स, काफ़ी सही सेटिंग्स आपको यहाँ मिल जाएंगी। मोड्स देखें तो HDR, नाइट और प्रो, तो प्रो मोड यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें एडजस्ट भी कर सकते हैं। स्लाइडर दिया गया है एडजस्टमेंट के लिए, तो ये काफ़ी कन्वीनियंट सा लग रहा है। फिर आपको मिलता है यहाँ पे फेस ब्यूटी, साथ ही इसमें है PVAF यानी कि फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस और इसमें है 7 लेवल आपको ब्यूटी फेस ब्यूटी का सेंसर मिल जाता है। तो फ्रंट कैमरा पर आते हैं जो इस फ़ोन का हाईलाइट है, 13 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेल्फी का सेटअप फ्रंट कैमरा का। देखिए काफ़ी अच्छा ये लाइट कैप्चर कर रहा है, साथ ही यहाँ पे आपको LED फ्लैश मिल जाता है बहुत बढ़िया, जिसमें लो लाइट आप सेल्फीज ले पाएंगे। मोड्स में आपको वीडियो, फोटो और फेस ब्यूटी, फेस ब्यूटी में बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर, साथ ही 7 लेवल ब्यूटी एडजस्टमेंट, फेस ब्यूटी एडजस्टमेंट। और फोटो पर आते हैं, ये आपका वाइड एंगल और नॉर्मल एंगल में आप स्विच कर सकते हैं। देखिए 120 डिग्री वाइड एंगल ये कैप्चर करेगा इस तरह से, देखिए बहुत सारा एरिया कैप्चर कर रहा है। और ये आपका नॉर्मल मोड, तो आप इसमें ग्रुप सेल्फीज काफ़ी अच्छी ले पाएंगे। तो कुछ पिक्चर्स अभी मैंने यहाँ पर ली हैं, इनको हम देखते हैं। देखेंगे मैंने हाईएस्ट लेवल ऑफ ब्यूटी का इसमें एक पिक्चर लिया, जिसमें भी देखेंगे वॉश आउट नहीं कर रहा है फीचर्स को, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। साथ ही अब देखेंगे मैंने वाइड एंगल में एक सेल्फी लेने की कोशिश की है, बहुत सारा एरिया ये कैप्चर कर रहा है। अब देखिए 120 डिग्री का व्यू एंगल आपको मिल रहा है, तो आप देखें ये नॉर्मल और ये वाइड एंगल, तो ग्रुप सेल्फीज तो आप आराम से ले पाएंगे इससे। ये बैक कैमरा का फोटो है। तो ये था फर्स्ट लुक मोबीस्टार XQ Dual का और ये लॉन्च हुआ है एक अफोर्डेबल प्राइस रेंज में जो है 7999 और अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पर। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टेक वीडियो में, तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड बाय।